कैसा लगा मूवी आपको? फुल भी पैसा वसूल एकदम। मतलब आपको कुछ डायलॉग याद है केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर का? यस, ऑफर क्लोजिंग सून, जब वो जाता है और इतने मस्त तरह से अपना बिजनेस डील करता है, बहुत बहुत अच्छी है ये। तो मतलब तो ट्रेलर में भी तो रिवील हो गए ऑफर क्लोजेस सून, कुछ अलग बताए जो ट्रेलर में रिवील ना हो, कुछ आपको पर्सनली जो डायलॉग बहुत अच्छा लगा यश का या अधीरा का? जब वो स्टार्टिंग में जाता है और वो गुंडों के बेटे बोलते हैं कि ये हमारा होगा, तो बोलते हैं नेपोटिज्म साला, हर जगह नेपोटिज्म भरा है। मतलब सीईओ वाला डायलॉग के बारे में क्या बोलना चाहिए? वो तो बेस्ट है, वो बेस्ट डायलॉग है, सीईओ ऑफ इंडिया, वो बेस्ट था, हर चीज बेस्ट है। मतलब अधीरा के लुक के बारे में क्या कहना चाहिए? अधीरा देखो, एक कॉमन सी चीज होती है कि जब विलेन अच्छा होता है तो हीरो और ज्यादा अच्छा दिखता है। विलेन मतलब ऐसा था कि हाँ, उस पर भी लोगों को देख के लगा कि विलेन भाई होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम लोग की हिंदी मूवी में क्या होता है, दिखाता है कि हीरो ही सब कुछ किए पड़ा, विलन को कुछ भी नहीं दिखाता। लेकिन इसमें ये अच्छा था कि हाँ, विलन भी पावरफुल था, ये बेस्ट चीज मुझे। क्योंकि काफी ऑडियंस कह रही है मतलब अधीरा का लुक संजय दत्त नहीं होता, मतलब मूवी में वो जान नहीं होती। नहीं, ये सही बात है, विलन के लिए संजय दत्त बेस्ट है, क्योंकि पूरी मूवी संजय दत्त पे टिकी हुई, क्योंकि संजय दत्त से सब जूनियर है, को स्टार रवीना टंडन से लेके ये यश भी 28-29 के, संजय दत्त आप 150 तक मूवी किया है, एक्सपीरियंसड भी पर्सन है। यस यस, संजय दत्त की एक्टिंग इसमें बेस्ट है, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और सूट करता है।